नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रभु यूटीवी में। दोस्तों आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ये आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर कब, 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। और एक वाक्या ऐसा होता है कि आजादी के बाद 1962 में, कब 1962 ईस्वी में, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त किया जाता है और जब ये कार्यभार संभालते हैं तब जो इनके स्टूडेंट होते हैं, मतलब चूंकि ये पेशे से एक अध्यापक होते हैं तो इन्होंने जिसको जिसको पढ़ाया होता है इनके स्टूडेंट सोचते हैं कि 5 सितंबर जो ये दिन है इस दिन इनका जो है जन्मदिन मनाया जाए। तो वो जब जन्मदिन मनाने के लिए जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास तो वो कहते हैं देखिए आप हमारा जन्मदिन मत मनाइए, अगर आपको इससे खुशी ही मिल रही है तो आप इतना कर सकते हैं कि ये जो 5 सितंबर है इस दिन को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में जो है कि आप लोग मनाइए, ताकि ना सिर्फ मुझे खुशी मिले बल्कि देश के जितने भी शिक्षक हैं उनको एक सम्मान प्राप्त हो सके। तो ये एक छोटी सी जो है इसके पीछे की कहानी है। दोस्तों शिक्षक दिवस हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेरे भी गुरु हैं, मेरे लिए भी यह दिन इंपॉर्टेंट है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कल एक शिक्षक बनेंगे और उनके लिए भी आज जैसे कि ये दिन इंपॉर्टेंट है कल को उनके भी स्टूडेंट जो है कि उनके लिए भी यह दिन इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग यूं कह लूं कि आप लोग मुझसे एक वादा करिए आज कि आज चूंकि शिक्षक दिवस है तो उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी बातें आपसे कहूंगा और जो भी आपसे मांगूंगा आप उसको जो है दिल खोल करके देंगे। कुछ ऐसा नहीं मांग रहा मैं, केवल बस एक आपसे प्रॉमिस करवाना चाहता हूं कि दोस्तों कोई भी टीचर हो, ठीक है, किसी भी चैनल का, देखिए मैंने हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्यार सिखाया, हमेशा मोहब्बत करना सिखाया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम जो है उस चैनल पर जाकर के जो है अनाप शनाप कुछ भी प्रकार का, मतलब है ना, आप मेरे स्टूडेंट हो। मैं चाहता हूं कि जो चीजें मेरे अंदर है वो चीजें आपके अंदर भी हो। मैंने हमेशा प्यार सिखाया, मैं चाहता हूं आपके अंदर भी मोहब्बत हो, ठीक है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है जिससे पूरी दुनिया को जीता जा सकता है, नफरत से किसी को जीता नहीं जा सकता, है ना। लेकिन आपसे मैं ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि आप सभी कभी भी कोई भी कैसा भी टीचर हो, नया हो पुराना हो, अनुभवी हो बिना अनुभव के हो, लेकिन जब भी वो आपको एजुकेट कर रहा है, आपको शिक्षा प्रदान कर रहा है, आप कभी भी उसके लिए अपशब्द बातें नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सच्चे शिष्य नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चों को मैं बता दूं जो ऐसा काम करते हैं उनको कभी जीवन में सफलता भी नहीं मिलता है, क्योंकि एक शिक्षक जिसकी की कहते हैं कि आशीर्वाद भी लगता है, लेकिन अगर उसने सच्चे दिल से अगर आपके लिए अगर कुछ उल्टा बोल दिया या फिर यूं कह लूं कि आपके लिए कुछ अशुभ बोल दिया तो वो भी लग जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि गुरु आपको जो है आत्मनिर्भर बनाता है, समझ में आया, गुरु आपको आत्मनिर्भर बनाता है, आपके अंदर ज्ञान रूपी एक आत्मबल देता है जिसका कि प्रयोग करके आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आज उम्मीद करता हूं कि आज के दिन आप ये मेरी बात मानेंगे, कभी भी किसी भी चैनल पर रोजगार वितंकित, एग्जाम पूर, या ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन में तो खास तौर से देखा गया कि यूट्यूब पे, देखिए हम लोगों का कुछ भी कंट्रोवर्सी चले कुछ भी हो वो अलग चीज है, ठीक है, वो चीजें वही खत्म हो गई, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे चैनल के जो स्टूडेंट है, मैं चाहता हूं कि आप जो है प्यार फैलाए प्यार जो है कि बनाए रखें, और कभी भी किसी के भी चैनल पर जाकर के उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट करिए भी तो काम से रिलेटेड और प्यार भरी कमेंट करिए, उनका हौसला बढ़ाए, ये काम करिए, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से ही दूसरों का हौसला बढ़ाता आया हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट कभी किसी का हौसले को कम करें। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट रखते हो,
मेरे स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, कोई और नहीं रखता है, ठीक है। और आपके लिए मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जो कि करना पड़ेगा आपके सिलेक्शन को लेकर के। दोस्तों अभी मैं किसी काम से घर जा रहा हूं, घर से जैसे ही लौटूंगा आपके सारे जितने भी सिलेबस में जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उनको कवर कराने का प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ आपको पढ़ा दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है कि सारा कुछ आपको पढ़ाया जा सके, या फिर ऐसे तो कोई भी चैनल वाला आपको सारा कुछ नहीं पढ़ा पाता है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे कि प्रश्न बनते हैं। और उम्मीद करता हूं कि अगला जब शिक्षक दिवस आएगा उस समय आपका एग्जाम हो चुका रहेगा, आपके रिजल्ट आ चुके रहेंगे और आपके ये कमेंट आएंगे कि सर मेरा इतना नंबर है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मेहनत करेंगे और मैं मेहनत करवाऊंगा और आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप सब जो है मेहनत से पढ़ेंगे, अपने मां बाप का नाम रोशन करेंगे, आपके अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, जिस जनपद में रहते हैं उस जनपद का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों आप सभी जो है तैयारी करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों इसी बात के साथ मैं जो है कि अपनी आज की ये जो हमारा वीडियो है इसको मैं खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।